वेलकम। आज हम लोग आईजीडी का प्रैक्टिकल क्लास में फिर से आ गए हैं। तो आज हम लोग एक मदरबोर्ड यहाँ पे लाए हैं। ये एक डेल का मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड का आज हम लोग कुछ सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है या फिर उसका कनेक्शन कैसे आ रहा है। तो चलिए हम लोग ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड का जो फर्स्ट सेक्शन होता है जिसको हम लोग नॉर्मली बुलेटिन सेक्शन के नाम से जानते हैं, उस सेक्शन को एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इस बोर्ड में पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का बोर्ड है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्रोसेसर है और ये है हमारा एक ब्रिज, और इसमें आपको मैं पीछे भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पे और कोई ब्रिज आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो मतलब ये हो गया आपका एक पीसीज मदरबोर्ड। तो इस बोर्ड का आज हम लोग जो वोल्टेज सेक्शन होता है उस सेक्शन को चेक करेंगे। तो ये वोल्टेज सेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये जो मदरबोर्ड है, इस बोर्ड का जहाँ पे हमारा एडाप्टर का पावर इन होता है उसको बोला जाता है वोल्टेज सेक्शन। तो जैसे कि ये हमारा एडाप्टर का कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन के थ्रू हमारा बोर्ड में पावर इनपुट होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारा इनपुट होता है। तो इस बोर्ड का अगर एडाप्टर का पावर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अगर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एडाप्टर लगा दिया इसका, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कितना वोल्टेज इनपुट होगा ना, जितना वोल्टेज हम लोग एडाप्टर से इन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस जगह पे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये जो एडाप्टर का कनेक्शन है, यहाँ पे हमको टोटल 5 पिन नजर आ रहा है, जिसमें से 2 है रेड कलर का और 2 है ब्लैक कलर का और 1 है येलो टाइप का। तो ये पिन का काम क्या होता है, सबसे पहले अगर हम रेड में वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 19 वोल्टेज शो कर रहा है, 19.5 जो हमने एडाप्टर के थ्रू इनपुट किया है। ये दोनों पिन हो गया हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, जिसके थ्रू हमारा 19 आ रहा है जो कि रेड कलर का है, और जो ब्लैक कलर का 2 पिन है ये है नेगेटिव यानी ग्राउंड, इसके थ्रू हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ये जो 5 नंबर लास्ट पिन है जो येलो कलर का वायर यहाँ पे यूज हुआ है, ये है एडाप्टर का सेंस, जिसके थ्रू यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट का सप्लाई एक आ रहा है। तो ये एडाप्टर कनेक्टेड है कि नहीं है इसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे यूज होता है, और ये चारों पिन से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई इनपुट करता है। तो अगर हम लोग कनेक्शन देखेंगे तो ये वोल्टेज सेक्शन का जो फर्स्ट इन आता है वो सबसे पहले एडाप्टर के बाद यहाँ पे कुछ फ्यूज या फिर कॉयल होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कोई फ्यूज नजर नहीं आ रहा है, उसके बदले में यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट नजर आ रहा है जो कि है एक छोटा सा कॉयल। तो हम लोगों को जैसा पता है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज अगर आएगा तो आने के बाद जैसे सर्किट में होता है कि ये कॉयल में पहले इनपुट होगा, तो देखिए कॉयल का यहाँ पे भी हमको 19.5 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। फिर ये जो कॉयल होता है इसका उल्टा साइड से वोल्टेज आउट होगा, तो यहाँ पे भी हमको सेम वोल्टेज मिल रहा है क्योंकि कॉयल में यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। फिर उसके बाद ये वोल्टेज आके एक मॉस्फेट में इनपुट होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का जो सर्किट होता है वोल्टेज का, उसमें कुछ जगह पे 2 मॉस्फेट होता है, किसी में एक मॉस्फेट एक कॉमन कैथोड डायोड होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सप्लाई आ सकता है। तो हम लोग ये बगल में ही एक मॉस्फेट यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मॉस्फेट का देखिए यहाँ पे चारों पिन में ही वोल्टेज शो कर रहा है सेम 19.5। तो ये वोल्टेज का मतलब है ये 4 पिन हो गया ड्रेन, क्योंकि अगर हम लोगों को मॉस्फेट का कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे एक डॉट रहता है, तो डॉट का बगल वाला पिन 1, 2, 3 होता है जो कि होता है हमारा सोर्स, और इसका जो 4 नंबर पिन होता है वो होता है ड्रेन। तो ये 3 पिन हो गया हमारा सोर्स, फिर ये 4 नंबर जो पिन है ये हो गया गेट, और फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 ये चारों पिन होता है ड्रेन। तो 1, 2, 3 ये सोर्स, फिर गेट, और ऊपर का चारों पिन होता है ड्रेन। तो ये कॉइल के थ्रू हमारा जो 19.53 वोल्टेज आ रहा था वो यहाँ पे इसका ड्रेन में इनपुट हो रहा है, फिर ड्रेन में इन होगा तो उसका सोर्स से हमारा ये वोल्टेज आउट होगा। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज सेम वोल्टेज आउट हो रहा है, कोई वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप नहीं है। फिर ये वोल्टेज इसका अगर सोर्स से आउट होता है तो दूसरा जो मॉस्फेट होगा उसका भी सोर्स पॉइंट पे ही इनपुट होता है, तो यहाँ पे इसका
जो सोर्स है उसमें ही ये वोल्टेज इनपुट हुआ। तो इनपुट होने के बाद ये वोल्टेज कहाँ जाएगा, ना ड्रेन से आउटपुट होगा, तो ये हो गया इसका ड्रेन पॉइंट। तो यहाँ पे भी देखिए आपको सेम वोल्टेज ही मिल रहा है, कोई वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ये चला जाता है एक करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस में। तो ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग नॉर्मली 0 ओम के हिसाब से जानते हैं। तो ये एक करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमको अल्टीमेटली 19 वोल्टेज मिलता है एडाप्टर का पावर, और यहाँ से हमारा पूरा लैपटॉप में ये वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसको नॉर्मली हम लोग वी प्लस के नाम से जानते हैं या फिर पावर SRC भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर ये हो गया हमारा वोल्टिन का सेक्शन, तो ये सेक्शन का हमारा फर्स्ट कनेक्शन था एक कॉयल में, फिर कॉयल के बाद ये हो गया MOSFET। तो MOSFET के अगर ड्रेन में इन हो रहा है तो सोर्स से आउट होगा, उल्टा भी कुछ बोर्ड में हो सकता है कि सोर्स में इन हुआ फिर ड्रेन से आउट हुआ। और ये MOSFET का जो गेट आता है वो देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे ये 8.2 वोल्ट का एक सप्लाई मिल रहा है। तो ये फर्स्ट MOSFET है, इसका गेट में हमको मिल रहा है 8.2 वोल्ट का सप्लाई। और ये जो सेकेंड MOSFET है इसका गेट में देखिए कितना मिल रहा है ना, इसमें भी हमको 8.2 सेम सप्लाई मिल रहा है। ज्यादातर केस में क्या होता है, ये दोनों का गेट एक साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये हो गया हमारा वोल्टिन सेक्शन का कनेक्शन। तो अलग अलग बोर्ड में ये जो कनेक्शन होता है ये अलग अलग टाइप से रहता है जो कि बोर्ड में सप्लाई देने के लिए इन होता है। तो ये वोल्टेज यहाँ से हमारा पूरा जितना भी मदरबोर्ड का पार्ट है, मेन सेक्शन है, वो सब में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ सेक्शन है वो सेक्शन में एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 MOSFET दिख रहा है, इसका ड्रेन में देखिए मैंने यहाँ पे टच किया है तो यहाँ पे भी हमको 19.5 का वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे कुछ MOSFET है, एक सेक्शन है, तो उसमें भी हमको 19.5 मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमको वोल्टेज मिल रहा है। तो मतलब ये एक वोल्टेज है जो कि हमारा पूरा मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारा लैपटॉप अभी ऑन भी नहीं हुआ है, तो ये ऑफ कंडीशन में है जहाँ पे हमारा ये वोल्टेज इन होता है और पूरा लैपटॉप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये ऑफ कंडीशन में भी आपको पूरा मिलेगा। अगर आपको देखना है तो मैं देखिए अभी तक ये जो वोल्टेज है यहाँ पे देखिए कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है जब तक हम लोग इसको पावर बटन प्रेस नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका पावर बटन प्रेस करता हूँ, करने से देखिए इसका फैन ऑन हो गया और ये एम्पेयर भी ले रहा है, मतलब अभी ये ऑन कंडीशन है। और अगर हम लोग इसका ऑन कंडीशन में वोल्टेज फिर से चेक करेंगे तो देखिए इसमें आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। अब वो पहले विदाउट लोड था तो इसलिए थोड़ा सा 0.5 आ रहा था, अभी थोड़ा सा वो ड्रॉप हुआ है तो यहाँ पे हमको अभी 4.3 मिल रहा है। और इसका ड्रेन में वही सेम वोल्टेज मिल रहा है 19.43। और इसका अगर सोर्स में हम लोग देखेंगे तो देखिए सेम वोल्टेज ही आ रहा है। फिर अगर इसका सोर्स में जो वोल्टेज मिलेगा सेम मिलेगा हमारा इसका ड्रेन में, और फिर इसका इसका सोर्स में वही वोल्टेज आएगा और फिर इसका ड्रेन से आउट होगा, और फिर ये हमारा जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस में हमारा ये वोल्टेज इन होता है। तो ऐसे करके हमारा ये सेक्शन पूरा काम करता है। तो ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन है जिसके थ्रू हमारा मदरबोर्ड में 19 वोल्टेज को इनपुट किया जाता है। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है या आगे कोई शॉर्टेज होता है तो ये सेक्शन काम करना बंद कर देता है, ताकि हमारा आगे का सेक्शन थोड़ा सा सिक्योर रहे। तो ये होता है हमारा लैपटॉप का वोल्टिन सेक्शन का चेकिंग। आगे जाके हम लोग फिर से दूसरा कोई सेक्शन फिर देखेंगे।